ये प्रमोद जी हैं जिनका हमने आपको पहले एग्जामिनेशन दिखाया था। ये इस तरह से चल रहे हैं पिछले लगभग एक डेढ़ साल से, लंगड़ा कर चल रहे हैं। पेन है लेफ्ट हिप में, शॉर्टनिंग भी है और इस वजह से इनको ज़्यादा दूर चलने में दिक्कत आती है। रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए ये स्टिक यूज़ करते हैं, स्टिक के साथ चलते हैं इस तरह से। और पहले इनको थोड़ा बुरा लगता था स्टिक लेने में, लेकिन एक महीने से इतनी मजबूरी हो गई है कि इनको स्टिक के साथ चलना पड़ता है। हर तरह की डेली एक्टिविटीज़ में इनको परेशानी है, आप देख सकते हैं, सीढ़ी चढ़ना, वॉकिंग। तो अब प्रैक्टिकली इस एज में क्या होता है कि पेशेंट हाउस बाउंड हो जाता है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और उससे भी बड़ा डर होता है कि अगर हम हिप की सर्जरी कराएंगे तो शायद दोबारा चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। बट MIS टेक्निक हैज चेंज द सिनेरियो ऑफ द हिप रिप्लेसमेंट, वेदर पेशेंट इज यंग और ओल्ड। इसमें एक पेशेंट की बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि हम सर्जिकल ट्रॉमा बिल्कुल नहीं करते हैं, एंड दीज पेशेंट्स आर नाउ एबल टू गेट ऑपरेटेड। ये प्रमोद जी का एक्सरे हम देख रहे हैं सर्जरी से पहले, इसमें आप देखेंगे ये पूरा हेड कोलैप्स्ड है एंड दिस इज़ ए टिपिकल फीचर ऑफ AVN। ऐसे डेवलप में इतने चेंजेस नहीं है, हेड पूरा कोलैप्स हो गया है। जनरली इस एज ग्रुप में AVN नहीं होता, बट समहाउ इट्स क्वाइट ए रेयर केस कि ऐसा हुआ। एंड दैट वाज एक्चुअली द रीज़न कि यह डायग्नोसिस भी काफ़ी लेट हो पाया। इनकी स्पाइन का ट्रीटमेंट होता रहा, इनका नी पेन का ट्रीटमेंट होता रहा, लेकिन पेल्विस का एक्सरे नहीं हो पाया। बट जब हमने एग्जामिन किया और इनकी रोटेशंस लिमिटेड थे तो हमने एक्सरे किया और दिस वाज द डायग्नोसिस। और सर्जरी के बाद आप ये एक्सरे देख सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई सीमेंट यूज़ नहीं की गई है। इट इज़ टोटली नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट जो कि अब हम हर पेशेंट में रेगुलरली कर रहे हैं। पहले ये माना जा रहा था कि एल्डरली पेशेंट्स में हमेशा सीमेंट यूज़ करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इवन हमने स्क्रूज़ भी यूज़ नहीं किए। तो दिस इज़ ए प्योर सिंपल सर्जरी बाय MIS टेक्निक। अब आप देखेंगे लेग लेंथ इक्वल है, पहले जो लेग लेंथ में डिफरेंस था 1.5 इंच का वो भी करेक्ट हो गया है। पेशेंट इज़ मूविंग अराउंड विदाउट एनी पेन क्योंकि इनका कैप्सूल, लिगामेंट्स, मसल्स, एवरीथिंग हैज़ बीन प्रिजर्व्ड जस्ट लाइक ए नॉर्मल हिप। की सर्जरी के अभी 24 आवर पूरे नहीं हुए हैं, बट ही इज ऑलरेडी वॉकिंग विदाउट ए वॉकर, बिना वॉकर के चल रहे हैं। और कल रात से ही वॉशरूम जा पा रहे हैं, खुद अपने आप चल रहे हैं। इन्होंने सर्जरी के 6 घंटे के बाद ही चलना शुरू कर दिया था और अभी 20 घंटे के बाद ये बिना वॉकर चल रहे हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड MIS टेक्निक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एट द एज ऑफ 70 वॉकिंग विदाउट वॉकर आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट विद इन 20 आवर्स ऑफ सर्जरी, 20 घंटे के अंदर ही बिना वॉकर चल रहे हैं। पैर की लंबाई भी बराबर हो गई है जी सर। कैसा लग रहा है? ठीक है। इज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज बींग ट्रीटेड फॉर स्पाइन प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम एंड एंकल पेन फॉर सो मैनी ईयर्स। वेरी गुड। रेलिंग के साथ चलो, समझाना है, पहले समझाना है कि कैसे चलना है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, रवि साथ रहो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रमोद जी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, सर्जरी के अभी मुश्किल से 16 घंटे हुए हैं। पैर बिल्कुल बराबर है, जो 1.5 इंच छोटा था पैर आपका वो बराबर हो गया है। और अगर मूवमेंट्स देखें, मोड़ के देखिए कितना मोड़ है, वन नंबर है सर। तो अराउंड 70 डिग्री मूवमेंट्स आ चुकी हैं। रोटेशंस अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा स्वेलिंग है। और ये आपके दोनों घुटने मोड़िए, ये भी मोड़िए, हाँ, और कमर उठाइए। वेरी गुड, बस ठीक है। ऑल राइट, दैट शोज की ज्वाइंट इज एब्सोल्युटली स्टेबल एंड पेन फ्री।
और सबसे अच्छी बात है इसमें ना कोई सीमेंट यूज हुई है ना इसमें किसी स्क्रू की जरूरत पड़ी है, एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक। क्योंकि पेशेंट का कोई भी सॉफ्ट टिश्यू, चाहे उसका कैप्सूल है या लिगामेंट्स है या मसल्स है, कुछ भी हमने डैमेज नहीं किया, एवरीथिंग हैज बीन प्रिजर्व्ड एज इट वाज इन दिस साइट। और कुछ ही दिनों के बाद आप जमीन पे भी बैठ पाएंगे, आप चौपड़ी भी लगा पाएंगे, इंडियन टॉयलेट भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। और अभी जैसे आज थोड़ा सपोर्ट यूज कर रहे हैं एक हाथ में, दो चार दिन के बाद विद इन ए वीक इनको सपोर्ट की भी जरूरत नहीं, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऑपरेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। ये प्रमोद जी का इंसिजन हम देख रहे हैं, अभी इनका कल सर्जरी हुई थी दोपहर को 3 बजे और आज सुबह 10 बजे ही इज रेडी फॉर डिस्चार्ज विद लेस देन 24 आवर्स। ही इज डूइंग ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज, कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, एंड वी आर डिस्चार्जिंग हिम। सो हिप रिप्लेसमेंट के बाद इस एज ग्रुप में विद इन 24 आवर पेशेंट को सब एक्टिविटीज कराना, और वो भी विदाउट पेन, एंड पेशेंट का ऐसा कंफर्टेबल होना कि दैट वी आर thinking of discharging the patient, so this is all because of MIS technique.